जिंदगी में इन सात चीजों के लिए आपको कभी भी अपने मन में रेग्रेशन रखने की जरूरत नहीं है। नंबर वन, बीइंग योरसेल्फ। आपके आसपास और दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों की नजरों में सही होने के लिए अपने आप को बदल डालते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को कभी नहीं बदलते। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें सलाम करती है। सो गाइज, इफ यू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में रहने लायक भी नहीं। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी को कर दी। एंजो फरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फरारी तुम्हारे बस की बात नहीं। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुसियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना, तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा, जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था, तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया। कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है, ध्यान से सुनेगा। उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर, मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइज, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है, तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था, लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वेकुंठ पुराथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ, और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। सो अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। आपने सफेद लहसुन यानी कि व्हाइट गार्लिक तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक गार्लिक देखा है? बहुत ही कम लोग ब्लैक गार्लिक और उसके गुणों के बारे में जानते हैं। गाइस, ब्लैक गार्लिक व्हाइट गार्लिक का एक रूप है जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, और यह एक सुपर फूड है जो कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, 14 तरह के कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज से भी हमें बचाता है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइट गार्लिक की तुलना में ब्लैक गार्लिक में दुगने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ब्लैक गार्लिक के बारे में इतना कुछ पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।